हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों अभी बज गए हैं एक और मैं भी जस्ट नहाया हूँ, मैं सो गया था दोस्तों। रात को हम लेट से आए ना घर, शादी से उड़ीसा गए थे। हाँ तो दोस्तों इधर कार है, पापा की गाड़ी है, एक्सट्रीम है, चचा की गाड़ी है, और इधर ब्रेजा है, इधर चचा का एल्टो है। तो मैं सोच रहा था विश्रामपुर जाऊंगा दिलीप भाई से मिलने के लिए, क्योंकि दो दिन हो गया है, मतलब बाल कटवाने के लिए गए थे केश काल, उस दिन से नहीं मिला हूं। तो थोड़ा सा मिलने को मन किया बात करने का। वैसे मोबाइल से बात हो जाता है, बट आमने सामने जो बात होता है ना उसका फीलिंग कुछ अलग ही होता है। तो इन सभी गाड़ी में से भी एक भी गाड़ी मेरी नहीं है, तो किसी का भी गाड़ी लेके चल देना है तो भाई सुविधा है तो यूज कर लो यार। दिलीप भाई के पास जाने से पहले मैं उसके पास SMS किया, SMS का रिप्लाई अभी तक नहीं आया है, कॉल किया कॉल अटेंड नहीं किया और रिप्लाई भी अभी तक नहीं किया, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हाँ तो अगर वो घर में रहता है ना तो कॉल अटेंड नहीं करता, SMS का रिप्लाई नहीं करता कभी कभी, तो जाके पता करना पड़ेगा घर में है या फिर कहीं और। तो चलो चलते हैं, मतलब थोड़ा सा CID इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा मेरे को। मैं पहुंच गया दिलीप भाई के घर के पास और मेरा शक था ना वो सही निकला, इसका बाइक घर में है, मतलब ये घर में ही होगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, उसको दिखाएंगे आपको भी। ये मैं चला अंदर, ये इसका चप्पल सामने नहीं है, मतलब ये अंदर इधर नहीं, इधर बैठा है। देखो ये बैठा है इधर, पंखा चालू करके हवे का मजे लूट रहा है। ये गड़बड़ है बाबा, कौन सा फिकर है, इस बात की चिंता है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 7 और हमारे गांव में पड़ोस में है आज रिसेप्शन, लड़का शादी का है, तो वहां पर जाएंगे, उधर के मूमेंट का आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे। और वैसे दिलीप भाई भी आएगा, उन्हीं के पैरासाइट हो रहा है शादी, तो मैं भी तैयार हो गया हूँ जाने के लिए। हाँ तो चलो चलते हैं यहाँ से, पहले बाइक में जाएंगे, वैसे बाइक में तो जाएंगे ही। हाँ तो चलो, ये हम पहुंच गए शादी घर में, लेकिन मौसम थोड़ा सा खराब है, आप लोग देख सकते हो पूरा टेंट वगैरह खोल दिए हैं और बच्चे लोग इधर डांस कर रहे हैं।
दोस्तों मैं भी पहुंच गया घर और अभी बज रहे हैं 11:30। तो मैं सोचा कि अब सोने का टाइम भी आ गया है, तो अभी ऊपर जाके बालकनी में सो जाना है, मतलब बालकनी के पास में। और हाँ, तो दोस्तों अभी मैं शादी गया था, आपने देखा अपने गांव बस पड़ोस में ही है, अभी भी आवाज आ रहा है डीजे का। तो मैंने अकेला अकेला डांस किया, तो इतना पागलपंती तो बनती है, बाकी ग्रुप में डांस नहीं किया, बस अकेला अकेला डांस किया। आपने नहीं देखा मेरे को, बाकी ग्रुप वालों को देखा ही होगा। हाँ, तो दोस्तों बस आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कल के अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।